इंग्लैंड की टीम के सामने बन गया जो चट्टान, नाम है उसका दी लेजेंड साजिद खान। पूरा पाकिस्तान इस वक्त साजिद खान के नामों से गूंज रहा है। वजह ये है कि साजिद खान ने इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप को उखाड़ के फेंक दिया। यार ये साजिद खान तो गोरों के लिए साजिद सिंस बन गया। मतलब यार इस साजिद खान की घूमती हुई गेंद के आगे इंग्लिश बैट्समैन बैटिंग करना ही भूल गए। मैच से पहले जो ये कह रहे थे ना कि पाकिस्तान ये क्या मजाक कर रहा है, सिर्फ एक फास्ट बॉलर लेके जा रहा है, उन तमाम लोगों की बोलती बंद हो गई है। देख लिया ना, जब मेरिट पर फैसले होते हैं और जब डोमेस्टिक के खिलाड़ियों को इज्जत मिलती है तो टीम किस तरह परफॉर्म करती है। साजिद खान ने जिस तरह परफॉर्म किया, मतलब यार साजिद खान की आप बॉल देखे कि घूम किस तरह रही है। साजिद खान की बॉल जिस तरह घूम रही है ना, आज से पहले मैंने जब तक क्रिकेट देखना शुरू की है सईद अजमल और यासिर शाह को देखा है, उसके बाद साजिद खान वो बॉलर है जिसकी बॉल को मैंने इतना घूमते हुए देखा। बहुत सालों बाद दिख रहा है कि टीम में टीम स्पिरिट दिख रही है। कोई भी खिलाड़ी अपनी रैंकिंग के लिए या अपनी जगह के लिए नहीं खेल रहा, बल्कि टीम के लिए लड़ रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा सलमान अली आगा और साजिद खान की जो पार्टनरशिप हुई, वो पार्टनरशिप बहुत अहम थी। सलमान अली आगा ने एक बुरे वक्त में आके पाकिस्तान की बैटिंग को संभाला और 63 रन बनाया। वो 65 रन की पार्टनरशिप भी पाकिस्तान को ये मैच जीतने में इंशाल्लाह ताला अहम किरदार अदा करेगी।